अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राहिम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पंजतन अलैहिस्सलाम। एक बार इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में तीन लोग हाज़िर हुए और मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हम तीनों भाई हैं और हमारे वालिद का इंतकाल हो गया है और हमारे वालिद के पास 17 ऊँट थे। उनकी वसीयत है कि 17 ऊँट हम तीनों भाई आपस में बाँट लें। इस तरह बाँटे कि पहले को आधा हिस्सा मिले, दूसरे को तीसरा हिस्सा मिले यानी 1/3 और तीसरे को 9वां हिस्सा मिले यानी 1/9। समझ में नहीं आता कि 17 ऊँट हम तीनों भाई आपस में बिना काटे कैसे बांटें। 17 का आधा होता है 8.5 और 17 का तीसरा हिस्सा होता है 5.66 और 17 का 9वां हिस्सा होता है 1.88। तो इन लोगों की परेशानी ये थी कि किस तरह इन ऊँटों को बिना काटे आपस में बांटा जाए। इन लोगों ने मौला अली इस्लाम से कहा कि आप ही हमारे बीच फैसला करें। बाबुल इल्म मौला अली इस्लाम ने फरमाया कि अगर इजाज़त हो तो मैं अपना एक ऊँट तुम लोगों के ऊँटों में शामिल कर दूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप चाहें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपना एक ऊँट उन 17 ऊँटों में शामिल कर दिया। अब टोटल ऊँट हो गए 18। पहले वाले शख्स से कहा कि तुम्हारा कितना हिस्सा था, तो उस शख्स ने कहा कि आधा हिस्सा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि 18 का आधा हिस्सा होता है 9 ऊँट, तुम अपने 9 ऊँट ले लो। इस तरह वहाँ बचे 9 ऊँट। दूसरे वाले शख्स से कहा कि तुम्हारा कितना हिस्सा था, उसने कहा कि तीसरा हिस्सा था यानी 1/3। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि 18 का तीसरा हिस्सा होता है 6 ऊँट, तुम अपने 6 ऊँट ले लो। अब बचे टोटल 3 ऊँट। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फिर तीसरे शख्स से कहा कि तुम्हारा कितना हिस्सा था, उसने कहा 9वां हिस्सा था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि 18 का 9वां हिस्सा होता है 2 ऊँट, तुम अपने 2 ऊँट ले लो। इस तरह उनके बीच ऊँटों की तकसीम हो गई और आखिर में एक ऊँट बच गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मैंने इस शुरुआत में अपना ऊँट शामिल किया था वो मैं अब वापस लेता हूँ। इस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल फैसले को बड़ी आसानी से हल कर दिया, जिसे देखकर वहाँ तमाम लोग हैरान रह गए। आखिर में बस आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे।